जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरे इस वीडियो को जो है आप बिल्कुल भी सियासी ना लीजिएगा, क्योंकि ये एक आम आदमी, एक पाकिस्तानी, एक हर तरह से सताया हुआ पाकिस्तानी बोल रहा है, और हमें अब चाहिए कि हम आवाज़ उठाएं इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ज़्यादतियाँ ये एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी के साथ कर रहे हैं, जो जुल्म और जबर कर रहे हैं, वो चाहे बिजली की सूरत में हो, चाहे गैस या गंदम की कम कीमतें, कुछ भी कर लें आप, कोई भी बात ले लें, कोई भी चीज़ उड़ा के देख लें, हर तरह से एक आम शहरी की ज़िंदगी को अजाब बनाया जा रहा है। ये चाहे PIA बेचने की बातें कर रहे हो, चाहे रैकोडिक हो या कोई और मामला हो, पाकिस्तान के असासजात जो हैं उनके ही दुश्मन बने हुए हैं, आम पाकिस्तानी के दुश्मन बने हुए हैं। यहाँ पर अगर किसी को सुकून है तो वो अफसर जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, या 18, 19, 20, 21 के स्केल के जो बड़े बड़े अफसर हैं जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, उनकी ज़िंदगी इस मुल्क में सुकून में है। उसके अलावा आम पाकिस्तानी, आम शहरी, मेरे जैसे एक आम शहरी जो है वो जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है, इन हुक्मरानों की औलादें मज़े कर रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, ना इन्होंने बिजली के बिल देने, ना टैक्स देना, ना और दूसरे मामलात हैं इनकी जो है, पांचों घी में है। हुकूमत से बाहर हो तो महंगाई माच कर लेते हैं, हुकूमत के अंदर आ जाए तो महंगाई कर देते हैं, आम आदमी का कोई ख्याल नहीं। हुकूमत से बाहर हो तो बड़े बड़े वादे, झूठे वादे, हुकूमत में आ जाए तो आम आवाम के लिए इतने टैक्स लगा देते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। मेरे तो यही दुआ है और यही कोशिश है कि अब हमारे आम पाकिस्तानी को चाहिए कि वो होश के नाखून ले, इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करे, चाहे एक ट्रेंड चलाए फेसबुक, आप जिस तरह से चाहें, अब हमें चाहिए कि हम इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं।